हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की इस वीडियो में। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट मिस्टर देवीलाल डंगी, देवीलाल। देवीलाल, क्या क्वालिफिकेशन है आपके ट्वेल्थ पास, और कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं देवी? असिस्टेंट लैंड सर्वेयर का। असिस्टेंट लैंड सर्वेयर का। देवी, कितनी क्लासेस आपकी हो चुकी सर, हैं? आज नाइन्थ क्लास है। नाइन्थ क्लास है, ठीक है। इन क्लासेस में आपने क्या क्या सीखा है? सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल सीखा है। ठीक, थ्योरी में आपने सर्वेइंग पढ़ा होगा। यस सर। तो क्या डेफिनेशन होती है सर्वेइंग की? सर, सर्वेइंग इज एन आर्ट टू डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अबव और बीनीथ द सर्फेस ऑफ अर्थ बाय मीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरिंग ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। एलिवेशन, ठीक है। तो इसके बाद जो है लेवलिंग पढ़ा होगा। यस सर। कितने टाइप की लेवलिंग होती है? लेवलिंग किस पर्पज में यूज करते हैं हम लोग? सर, लेवलिंग सर, एक पॉइंट का जो लेवल है उसे ट्रांसफर करने के लिए, दूसरी जगह ले जाने के लिए लेवलिंग, और सर हाइट कैलकुलेशन, हाइट मेजरमेंट के लिए, ठीक है। सर्वेइंग में आपने क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे सर्वेइंग के। यस सर। क्या क्लासिफिकेशन होते हैं सर्वेइंग के? तीन क्लासिफिकेशन सर, पहला है फील्ड सर्वे का, दूसरा है ऑब्जेक्ट सर्वे का, और तीसरा है यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का। यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम सर्वेइंग क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड सर्वे पे पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड सर्वे, तो उसमें कितने क्लासिफिकेशन होते हैं? उसमें सर वापिस तीन क्लासिफिकेशन है। पहला है सर लैंड सर्वे, दूसरा है मेराइन सर्वे, और तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो जो हमारा फील्ड सर्वे होता है या लैंड सर्वे जो है, लैंड सर्वे को फर्दर कितनी कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं? लैंड सर्वे जो, उसको वापस तीन कैटेगरी में, पहला है सर टोपोग्राफिकल सर्वे, फिर है सर कैडेस्ट्रल सर्वे, और तीसरा है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे। और आपने फिर चेन पढ़ी होंगी, कितने टाइप की चेन होती है? पांच टाइप की चेन है। ठीक है, एक चीज मेरे को बताओ, 1 मीटर में कितने एमएम होते हैं? 1000 mm। 1000 mm, और कितने फिट होते हैं? 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर में 3 फीट और 28 mm। 3.28 फीट, ठीक है। और आपने जो है ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट पढ़े? यस सर। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4 क्वाड्रेंट है। कौन कौन से हैं सर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इन चारों में कौन क्या वैल्यूज होती हैं? फर्स्ट वाला है जो सर प्लस प्लस है, सेकंड वाला है माइनस प्लस, थर्ड वाला जो है माइनस माइनस, फोर्थ वाला है जो प्लस माइनस। तो ये वैल्यूज किसकी होती हैं? सर, ये वैल्यूज होती है सर कोऑर्डिनेट है, नॉर्थ और ईस्ट की वैल्यू होती है। नॉर्थ और ईस्ट की वैल्यू होती है। अच्छा, फिर आपने प्रैक्टिकल किया है? यस सर। कौन कौन से मेथड प्रैक्टिकली आपने किए हैं? सबसे पहले किया सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सर, ठीक है सर। दूसरा क्या राइज एंड फॉल में सर, तीसरा क्या इनवर्ट मेथड ऑफ हाइट, इनवर्ट हाइट मेथड, ठीक है। बैक साइड फोर साइड मेथड किया, बैक साइड फोर साइड, और फिर चौथा कौन सा जो अगला किया वो कौन सर, सा किया? अगला किया सर डिस्टेंस कैलकुलेशन बाय ऑटो लेवल। ऑटो लेवल। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब हम कैलकुलेशन ये कोई भी मेथड परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहली रीडिंग कौन सी लेते हैं? सर, पहली रीडिंग लेते बोले थे बैक साइड, बैक साइड की। और जो है क्लोज किस पे करते हैं? फोर्थ साइड पर। फोर्थ साइड पर क्लोज करते हैं। आईएएस पढ़ा था? आईएएस क्या होता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। और एक चीज बताओ, जब हम आरएल निकालते हैं? यस सर। आरएल होता क्या है? आरएल मींस रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल ना, आरएल मीन रिड्यूस, रिड्यूस लेवल, ठीक है। तो आरएल का जो फॉर्मूला होता है, yes, वो क्या होता है? आरएल का होता है सर एचआई माइनस एफएस। एसएस, ठीक है। एचआई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर्थ साइड, फोर्थ साइड, ठीक। ये हो गया। अब एक चीज मेरे को बताओ कि जब हम लोग इनको कैलकुलेशन करते हैं, इनमें कोई दिक्कत आपको आई इन 8 दिनों में जो आपने सीखा है, इसमें कोई भी डाउट है अब तक? नहीं सर, अभी तक ऑटो लेवल पर कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। आपने जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, आप ऑटो लेवल को कितनी देर में लेवल कर लेते हो? लाइव सर किया था वो 52 सेकंड, 52 सेकंड में। और पहले दिन? पहले दिन था सर 2 मिनट 40 सेकंड ऐसा कुछ। पहले दिन वो जब ट्रेनिंग करने के बाद, मतलब बताने के बाद, लाइफ में कभी ऑटो लेवल हाथ लगाया था? नहीं, फर्स्ट टाइम यही लगाया था। आज यही लगाया था। गाइस, ये नॉन टेक्निकल है, मतलब इनके पास कोई डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री नहीं है, उसके बावजूद जो है 9वें दिन में आप देख सकते हो एज ए लैंड सर्वेयर ये किस तरह से रिप्लाई दे रहे हैं। और अब जो है इनकी नेक्स्ट टाइम से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी टोटल स्टेशन की, और अगले कुछ ही दिनों के अंदर जो है ये टोटल स्टेशन सीख के जो है। आपका पर्पस क्या है देवी इस कोर्स को करने का? सर, मेरा पर्पस है कैडेस्ट्रल सर्वे का। कैडेस्ट्रल सर्वे करना। कैडेस्ट्रल सर्वे बताओ जरा लोगों को क्या होता है। आपने बोल तो दिया कैडेस्ट्रल सर्वे, लेकिन होता क्या है? वो जो होता है सर रोड का मेजरिंग करना, बाउंड्री लाइन मार्किंग करना, उसको डिवाइड करके जो इसका ओनर का जो हिस्सा है उसको वो देना, मतलब प्लॉट को मार्किंग करना, सेपरेशन करना। जैसे हमारे कोई गांव देहात में जमीन होती है तो दो भाइयों में अगर बंटवारा करना है तो वो एग्जैक्ट बंटवारा कैसे होगा? तो चेन डोरी से भी कर सकते थे, यहाँ आने की जरूरत क्या थी? तो सर उसमें टाइम ज्यादा लगता है और काम इतना फास्ट नहीं, टाइम ज्यादा लगता है और फिर पैसा इतना नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको किसने बताया इस कोर्स को करना चाहिए? यस सर, मैं यूट्यूब पर देखा है।
यूट्यूब पे देखा था। तो कब से आप हमारे से जुड़े हुए हो? ये सही की सकत है। अच्छा, मतलब पहले 21 अगस्त को आपने देखा और डिसीजन ले लिया कि यहाँ जाना है, ज्वाइन करना है। अब कैसा लग रहा है? माइंड में कोई डाउट था यहाँ आने से पहले? डाउट ये था कि सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन सर 9 डे में जो ऑटो लेवल है वो सीख रहे हैं। कैसा लग रहा है अब? अब अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि सीखा हूँ हाँ कि मैं ऑटो कुछ लेवल सीखा में। हूँ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर कोई खाली देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा सर, सीखने को मिल रहा है पर डे कुछ। कितने आवर की क्लास आपकी होती है कम से कम भी अगर बताएं सर तो? कम से कम 4 आवर की पर डे हो रही है, पर डे हो प्रैक्टिकली हो रही है, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल कि टाइम वेस्ट किया जा रहा है या थ्योरी पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिकल भी खुद से हो रहा है। खुद से हो रहा है। अभी अच्छा लग रहा है? लग रहा है आप जाके वापस जो है काम करना है शुरू कर दोगे अपना? यस सर, जाते हैं। चलो ठीक है, क्या कहना चाहोगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं ना? 9 दिनों का है, देखो 1-2 दिन अगर होते तो हम बोलते भी, अब 9 दिन आपको हो चुके हैं और आप काफी कुछ सीख चुके हो, उसके बाद क्या कहना चाहोगे आपके जैसे भाई बहन जो देख रहे हैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू, उनको क्या कहना चाहोगे? सर उनको लगता है कि हमें सीखना है कि इसमें काम करना है सिविल में, यहाँ पर लैंड सर्वेयर, तो उनको आगे यहाँ पर सीखना चाहिए। और मतलब चार्जेस कैसे हैं अगर आपने, तो आपने भी पता किया होगा और जगह पे फीस के चार्जेस क्या हैं, कोर्स के चार्जेस क्या हैं, एज कम्पेयर टू अदर्स कैसा है हमारा चार्जेस? चार्जेस भी पता किया था, चार्जेस भी कम है और टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। मेन क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन टाइम, क्यों? तो ज्यादा टाइम 1 महीना 2 महीना सिखाने में लग गया तो फिर बाकी का पैसा भी 2 महीने देखो में रहने खत्म हो खाने का जाएगा, खर्चा तो होता वो ही तो होता होता है, ही है सर। प्लस आपको पता है कि मैं जाते ही जो हूँ ना अपना काम शुरू कर दूंगा और फुल फ्लैट पे शुरू कर दूंगा, मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा। और मुझे जहां तक है कि अगले 1 से 1.5 महीने में जो आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी निकल जाएगी और थ्रू आउट द लाइफ टाइम जो है आप प्लस में ही चलोगे, कुछ गवाओगे नहीं, कमाओगे ही कमाओगे। एक बार ही आपने मेहनत कर दिया उसके बाद जो है कमाना ही कमाना है कमाना जिंदगी ही भर, यही है ना? चलो अच्छा लगा देवी, और हम आपकी टोटल स्टेशन की क्लासेस शुरू करेंगे। सो गाइज यही कहेंगे, आप अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं स्किल लैंड सर्वे टोटल स्टेशन ऑपरेटर, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस को दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। आप इन ट्रेनिंग को करके NSDC स्किल इंडिया ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ में इंडिया और इंडिया से बाहर काम करने का सपना जो है ना दोस्तों अपना पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ देवी थे, देवी एक नॉन टेक्निकल है, मतलब इनके पास कोई डिप्लोमा बीटेक की डिग्री नहीं थी, फिर भी आपने देखा 9 डे में इनकी परफॉर्मेंस को। तो गाइज अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8447-9360-87, और हमें व्हाट्सअप करके या कॉल करके जो है फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इन ट्रेनिंग्स के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।